नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन आज ट्वेल्थ अक्टूबर 2022 है यू आर वाचिंग द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी उड़ता पंजाब का कौन सा गाना आपको याद है एक फिल्म आई थी ना उड़ता पंजाब मैंने वो फिल्म नहीं देखी है बट आई नो कुछ एक हिप हॉप टाइप ऑफ सॉन्ग था उसका उड़ता पंजाब ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है शाहिद कपूर थे उसमें और आई डोंट नो मैंने फिल्म नहीं देखी है बट उड़ता पंजाब की तरह अब फ्लाइंग केरला ये भी एक चिंता का विषय हो चुका है और हमारे देश के अलग अलग शहरों में खास करके जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं यंगस्टर्स जो होते हैं तो वहाँ पर ये ड्रग्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होने लगी हैं इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फ्रीडम टू चूज़ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है राइट अब देखेंगे इंटरेस्टिंग एक दो पॉइंट्स मैं आपके साथ तो शेयर करने वाला हूं यहां पर फिर हेट स्पीच इसको लेकर एक आर्टिकल है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है तो भारत को क्या अब अपना स्टैंड चेंज करने की जरूरत है और तालिबान वर्सिस पाकिस्तान क्या ऐसा हो रहा है क्यों तालिबान जो है वो पाकिस्तान से खुश नहीं और पाकिस्तान की क्या आशा है तालिबान को लेकर एंड देन विल टॉक अबाउट पॉलिटिक्स इन चाइना तो एज यू कैन सी आज एज यू कैन सी राइट right? में श, चाइना आया तो शी बोल गया शी शिंग पिंग राइट नाउ एस यू कैन सी वी हैव सिक्स टॉपिक्स ऑन अवेटेबल तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात करिए तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन पायूनियर का ये आर्टिकल है इसका नाम है पाराकुम केरला राइट right? इसको कैसे कहते हैं पारकुम केरला राइट right? मेरे टीचर्स केरला के थे तो आई नो दो पारकुम का मतलब है फ्लाइंग राइट right? उड़ता केरला आप समझ लीजिए तो न्यूज में ये ऐसा है कि हेरोइन और हशीश ऑयल कितने का दो हजार करोड़ रुपए का सीज किया गया है दो हजार करोड़ रुपए दिस इज ए बिग अमाउंट इज इट और केरला के अगर डी एडिक्शन सेंटर्स को देखें तो लगभग चार हजार जितने यंगस्टर्स जो हैं वो ऐसे सेंटर्स में जा चुके हैं यानी कि ड्रग्स और ये सारी चीज़ें छुड़वाने के लिए ये डी एडिक्शन सेंटर तक यंगस्टर्स पहुंचने लगे हैं वहाँ के सेंटर्स जो हैं वो काफ़ी भरने लगे हैं एज पर आ, दिस रिपोर्ट बाय पायनियर और ये एक चिंता का विषय है और जैसे मैंने आपको बताया ये सिर्फ मीन्स अब केरला में ये ग्राफ जो है वो ज़्यादा होने लगा है तो ये वहाँ पर उसके बारे में बातचीत हो रही है लेकिन दूसरे राज्यों में भी अगर आप ग्राफ देखेंगे तो धीरे धीरे ऊपर ही जा रहे हैं राइट बहुत सारी जगहों पर और एक कल्चर सा हो गया है राइट right? uh, ये जो कहते हैं इसको जॉइंट कहते हैं या फिर फूकना बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा है कि कौन सा माल फूक रहा है इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल जो होने लगा है इट्स बिकमिंग वेरी वेरी कॉमन खास करके YouTube के वीडियोस पर हम देखते हैं और uh, इससे क्या होता है कि जो अभी तक क्या था कि मीन्स uh, पुराने अगर थोड़े सेलिब्रिटीज़ की बात करें लाइक जैकी श्रॉफ और देन यू हैव है सलमान खान एंड आमिर खान अक्षय कुमार जो भी एटीज़ में आए लेट एटीज़ में आए तो ये सारे हीरोज़ जो हैं सभी नहीं लेकिन कुछ लोगों ने सिगरेट को भी प्रमोट किया या फिर सिगरेट पीते हुए नज़र आए हैं राइट अक्षय कुमार सिगरेट नहीं पीते लेकिन अक्षय कुमार जो हैं उन्होंने एक सिगरेट का कैंपेन किया था एडवर्टीजमेंट की थी फिर सलमान खान के बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जहाँ पर वो ऐसे अपनी पर्सनल लाइफ में प्राइवेट लाइफ में इज स्मोकिंग इज सीन स्मोकिंग तब यंगस्टर्स जो उनको फॉलो करते हैं तो वो क्या सोचेंगे कि भाई सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट पीना जो है इट्स कूल राइट तो इन द सेम वे आज के जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं तो इन्फ्लुएंसर्स अगर आ, ये बात करेंगे दिल्ली से कॉमेडियन कौन है कुणाल कामरा वेरी फेमस गाय राइट बहुत सारे मीन्स उनके मिलियंस में व्यूज़ होते हैं उनके यूट्यूब पर उनके वीडियोज़ के एंड टॉकिंग ओपनली अबाउट के मैं माल फूक रहा था ये कर रहा था माल फूकना यानी कि या गांजा वांझा कुछ जो है उसको स्मोक करना तो जस्ट इमेजिन के कितने सारे उनके फॉलोवर्स जो हैं उन पर यह इम्पैक्ट आती होगी मीन्स इस पर कोई किसी प्रकार की कोई रिसर्च या फिर ऐसी बातचीत जो है वो नहीं हो रही विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न राइट वो अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी करें दैट्स अ डिफरेंट थिंग उनको जो पीना है जो खाना है जो भी करना है दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट वेन यू आर ऑन ए प्लेटफॉर्म तो उस टाइम पर आपको ऐसा क्योंकि यू नेवर नो कौन आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए राइट आपकी जो गलत चीजें हैं वो भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं उसकी वजह से इट्स नॉट गुड बेसिकली राइट ये कॉमन सेंस की बात है जॉइंट ऑपरेशन क्रिएट किया गया बाई इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और टू हंड्रेड किलो हेरोइन जो हैं उनको पकड़ा गया आ, ये लोकेशन एग्जैक्ट नहीं बताया बट बत कहा जाता है कि कुछ लक्षद्वीप आइलैंड के आसपास कहीं पर इनको पकड़ा और छह ईरानियंस जो हैं इनको अरेस्ट किया गया ये माल जो है वो सामान जो है वो पाकिस्तान से फिर भारत यहाँ पर केरला में बेचने के लिए ख़ास करके ये सामान जो है वो यहाँ पर भेजा जा रहा था लेकिन पहले ही उसको पकड़ लिया एनसीबी ने ये जो दो दो हज़ार करोड़ का नारकोटिक्स सीज़ किया तो ये खास करके केरला में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए था ये दो केसेस की बात हो रही है राइट वी एटोब टू डिफरेंट थिंग्स ये और जो मैंने आपको ईरान वाला ये बताया तो ये हैं एंड दर आर अदर केसेस के इस प्रकार के केरला में सीज हुए हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बॉक्सेस में इनको डाला जाता है साउथ अफ्रीका से ये दूसरा ऐसा कंसाइनमेंट है जिसको पकड़ा गया इससे पहले भी मैंने एक इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि एक अलग से राइट कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में हो रही तो साउथ अफ्रीका से ये दूसरा ऐसा कंसाइनमेंट आया है और अगेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नाम पर चीज़ों को एज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसी के साथ साथ जो क्राइम्स है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं ये सारी गैंग्स जो हैं उनके द्वारा ये सारा बिजनेस जो है वो किया जाता है तो 16 जितने मर्डर्स हो गए हैं जो जंकीज़ हैं और ड्रग पुशर्स हैं जो लोग ड्रग्स लेते हैं और जो ड्रग्स बेचते हैं तो ऐसे सोलह लोगों का मर्डर हो चुका है और ट्वेंटी में मिस केरला जो हुई अंसी कबीर और उसकी कलीग अंजना साजन तो इन दोनों की यू नो बॉडीज़ वेयर फाउंड लेकिन आज भी ये केस जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है आ, तो ये भी एक चीज़ है राइट right? कि ड्रग्स और इन सारे रैकेट्स में बहुत सारे मर्डर्स भी हो रहे हैं दे आर ऑपरेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और ये सारे क्रिमिनल्स जो है ना वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में साथ जुड़े हुए होते हैं कोई ड्रग्स का व्यापार कर रहा है फिर पैसे आ रहे हैं यही पैसे जो हैं वो टेररिज्म के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं थिंग्स लाइक दैट इतने पावरफुल बन जाते हैं लो, लो एंड ऑर्डर जो है उसको डायरेक्ट चैलेंज करते हैं सोसाइटी का बैलेंस जो है वो ये बिगाड़ देते हैं तो पराक पराकुम केरला अगर हम कहें तो देखिए केरला जो लोग भी सरप्राइज नो वैसे भी नो के एजुकेशन में और इन सारी चीज़ों में केरला बहुत ही आगे हैं राइट right? uh, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी देखें तो एक भी लड़की का वहाँ पर मैरिज जो है अंडर एटीन यू नो माइनोर एक भी लड़की का लड़की के मैरिज जो है वो केरला में नहीं हुआ है इज़ ए गुड थिंग लेकिन केरला वॉज द फर्स्ट स्टेट जो पेजेस आते थे आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट पेजेस मैंने देखे हैं तो ये जो पेजेस हैं तो इनका इस्तेमाल हो रहा था यू नो फ्लैश ट्रेड के लिए यानी कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए कि इफ़ यू लाइक जैसे कहते हैं ना कॉल गर्ल कॉल बॉय वैसे ये पेजर में मैसेज के माध्यम से तो ये फर्स्ट ऐसा स्टेप था टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रोस्टिट्यूशन में वो करने लगे और बी कुमार जो डी के फॉर्मर हेड थे उन्होंने 1989 में वॉन किया था कि वेस्टर्न गार्ड के जो डेंस फॉरेस्ट हैं इनका इस्तेमाल जो है वो कैनबीज़ जो है उसको कल्टिवेट करने के लिए किया जा रहा है और किया जाएगा तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल लेकिन अब देखिए चीज़ें जो हैं वो कितने लेवल पर और जैसे मैंने आपको बताया कि ये किसी एक राज्य केरला में अब ग्राफ बढ़ चुका है बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और ख़ास करके यंगस्टर्स जो हैं जो कॉलेज में जाने वाले हैं या फिर आजकल एलेवंथ ट्वेल्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी इन सारी चीज़ों के बारे में एक अवेयरनेस यू नो होनी चाहिए मैं स्कूल्स और पेरेंट्स उनके फ्रेंड्स उनके एल्डर्स जो हैं वो उनको एजुकेट करें कि वाई यू नीड टू स्टे अवे फ्राम दिस और स्टफ़ ये कूल cool लगेगा लेकिन फिर जीवन जो है वो अनकूल हो जाएगा तो अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे कोई बच्चे हैं तो उनको थोड़ा एजुकेट ज़रूर कीजिएगा राइट right? इससे जीवन बर्बाद हो जाता है ये ड्रग्स और ये सारी चीज़ों की वजह से एंड इट्स लाइक ऑल्सो कि हमारे एजुकेटेड यंगस्टर्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की भी एक यहाँ पर साजिश है कि हमारे यंगस्टर्स को ड्रग्स और इन सारी चक्करों में गिरा दीजिए और हमेशा बिजी रहेंगे वो परिवार ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा एजुकेट पीपल अराउंड यू एनलाइटन इन दैम लेट पीपल चूज टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वी के सक्सेना साहब तो उन्होंने तीन सौ जैसे तीन सौ जितने इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं यानी कि बिजनेस जो हैं तो उनको राउंड द क्लॉक यानी कि ट्वेंटी फोर बाई सेवन बिजनेस करने की परमिशन जो है वो मीन्स आने वाले समय में उनको मिल जाएगी ग्रीन सिग्नल जो है वो दे दिया है और बिजनेसेस की बात करें जैसे कि होटल्स हैं डिलीवरी सर्विसेज जो हैं तो इन इनके लिए ये डाउन टाइम जो है वो नहीं चलता है लाइक देर आर सो मेनी बिजनेसिस ऑफ देर राइट वो 24 फोर बाई सेवन काम करते हैं मैं पता ही नहीं है कि ये 24 फोर लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइड की जाती है इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है तो भले दिन जितना स्टाफ नो ना हो लेकिन बहुत सारे रिपेयरिंग के काम है फाइबर ऑप्टिक्स को रिपेयर करना मेरे फ्रेंड है तो ही रिपेयर दिस ही वर्कस इन दैट टीम के फाइबर Uh, जो टूट जाते हैं ना इंटरनेट के फाइबर केबल जिसको कहते हैं तो वो उसको जॉइंट करने का और पूरी टीम जो है वो सर्च कर कर के जितने भी केबल्स ऐसे वैसे टूटे हैं क्रैक्स हुई हैं तो उनको रिपेयर करने का तो वो दिन में करते हैं काम राइट और ना, नाइट का भी काम उनका रहता है लेकिन नाइट में जो है दे कैन डू इट वेरी इजीली क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता है धड़ाधड़ वो फटाफट जो छः सात घंटे लगते हैं दिन में वो काम तीन दो तीन घंटों में खत्म कर देते हैं तो बहुत सारे ऐसे ट्वेंटी फोर बाई सेवन जो है वो काम चलते रहते हैं एम श्योर sure, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दिन यूट फाइंड और एक इकोनॉमी जो है मॉडर्न इकोनॉमी जो कहते हैं ना नेवर स्लीप्स राइट तो हमेशा वो चलती रहती है बड़े शहरों में जाएँ हम मुंबई मुझे याद है uh, I went, means, जब मैं वहाँ पर गया था uh, तो आई कैन स्टिल रिमेंबर इट वॉज अ लाइव मुंबई इन द नाइट इज वेल ऐसा लग रहा था कि दिन ही चल रहा है इतना ट्रैफिक एंड दर आर सो मेनी सिटीज नाउ राइट क्योंकि अब पहले ऐसा था इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो उस टाइम पर वो बिज़नेस की डे टू डे मीन्स सुबह स्टार्ट हुआ और अंधेरा हुआ तब बंद हो गया लेकिन अब वी हैव ट्वेंटी फोर बाई सेवन इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट सारी सुविधाएं हैं तो इसमें कोई वो नहीं है कि अगर किसी को अपना बिजनेस ट्वेंटी फोर बाई सेवन ओपन रखना है तो वो परमिशन जो है मीन्स परमिशन क्या यू कैन कीप इट ओपन उसमें क्या परमिशन सुबह खोलने के लिए थोड़ी परमिशन होती है लाइसेंस मिल गया फिर जब चाहे वो अपना बिजनेस खोले अलाउ देम टू डू इट चाहे वो कोई भी बिज़नेस क्यों ना हो राइट एज़ फार एज के बोलद से लाउड स्पीकर और ये सारी चीज़ें हैं तो फिर उसके ऊपर कुछ लिमिट लगा सकते हैं लेकिन कोई दुकान है रेस्टोरेंट है एक्सेट्रा तो दे शुड बी अलाउड केरला जो है तो केरला ने वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं मोवा मोवा ये केरला का एक छोटा सा टाउन है तो यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ ने ऐसे चार नाइट पैकेज अनाउंस किया राइट इसमें लाइव म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस और विमेंस मैराथन ऑर्गेनाइज की और एक दूसरी चीज़ स्टार्ट की गर्ल्स नाइट आउट तो महिलाओं को इनक्रेज किया जाता है कि आफ्टर सनसेट एज़ वेल यू कैन यू नो कम आउट अब नाइट लाइफ जो है उसको एंजॉय कीजिए इट्स अ वेरी गुड थिंग बिज़नेस और इकोनॉमी और सारी चीज़ों के लिए अच्छी बात है फैमिली बाहर जाएगा खाना पीना खाएगा राइट घूमेंगे फिरेंगे तो हर किसी को थोड़ा बहुत बिजनेस करने का मौका जो है वो मिलेगा और इसमें ऐसा नहीं है कि हर रोज़ लोग रात को बाहर निकले दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल लेकिन जो रात को निकलना चाहते हैं वो रात को निकले जिनकी जिनकी लाइफ स्टाइल ऐसी हैलत से बहुत सारे लोग जो हैं वो बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में होते हैं कि यू एस ए और उनके क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं दिन में वो मीन्स रात को उनको काम शाम का काम उनको स्टार्ट होता है काम चार पाँच बजे काम फिनिश होता है तो वो बाहर निकलें चार पाँच तो नहीं दो तीन बजे जब भी ख़त्म हो जाए तो बाहर बाहर निकले कुछ खाना पीना खा लिया फिर घर जाकर सो गए तो वी हैव सो मेनी पीपल लाइक दैट ट्वेंटी फोर्टी सेवनटी ट्वेंटी फोर्टी सेवन का टारगेट भारत का क्या है आज बहुत ही स्लिप ऑफ टंग हो रहा है एज इट मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ ओके okay, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं आराम से चीज़ों को डिस्कस करते हैं ओके okay. अब uh, ये छः आर्टिकल्स हैं ना इसलिए आई एम एक बैकग्राउंड में वो चल रहा है कि एक राइट टाइम में इनको फिनिश करना है बट एनी बल Okay, 2047, 2047 टारगेट यह है कि भारत जो है वो डेवलप्ड देश बनना चाहता है हमारे पास पच्चीस साल है और पूरा देश अगर यह काम करें तो आई बिलीव वी कैन डू इट लेकिन इस जर्नी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है गवर्नमेंट टू ट्रस्ट पीपल मोर दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अब मैं आपको एक ऐसा स्टेटमेंट कहूंगा आपको लगेगा कि सर यह तो कॉन्ट्रो मीन आयरोनिकल हो गया एक तरफ आप कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को एजुकेट कीजिए दूसरी तरफ जो मैंने ड्रग वाली बात बताई आई एम जस्ट गिविंग यू एग्ज़ाम्पल आई एम नॉट कि भारत में ऐसा होना चाहिए लेकिन यू you नो know, बहुत सारे देश हैं जैसे कि यू एस ए हैं देन वी हैव नैदरलैंड राइट तो ये सारे देशों में हर एक जगह पर नहीं यू एस ए के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर uh, कुछ चीज़ें जो हैं वो अलाउड अलाउड uh, है लाइक like, हमारे देश में वो बैंड चीज़ें हैं लाइक नॉट कोकेन एंड स्टफ लेकिन ये चरस गांजा ऐसा कुछ अलाउड है तो हम सोच जब हम इस बात को सोचते हैं हमें लगता है कि यार कैसी सरकार है ये कि इस प्रकार की चीज़ों को अलाउ कर रही है लेकिन हम हमेशा इसी पॉइंट से क्योंकि हमारा कल्चर और उनका कल्चर डिफरेंट है तो हम इस हिसाब से चीज़ों को देखते हैं लाइक यूल बी सरप्राइज टू नो कि कुछ uh, दशकों पहले राइट right? uh, या फिर आप एक दो सदी पीछे चले जाए तो ये जो कैनबीज़ हैं गांजा जिसको कहते हैं इट वाज वेरी कॉमन थिंग इन आवर कंट्री मीन्स यू नो एडल्ट जो हैं जो भी उनको पसंद था तो वो कंज्यूम करते थे और बहुत सारे जगहों पर ये अवेलेबल होता था राइट त्योहारों में ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती थी तो लोग जो हैं वो गांजा फूँकते थे ऐसा था ऐसा था लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें पुरानी हैं तो अच्छी हैं लाइक सती सती प्रथा भी थी तो क्या वो अच्छी बात है ऑफकोर्स नहीं है तो अब ऐसा कहना कि हमारे देश में तो सती की परंपरा थी तो अब से फिर से स्टार्ट करो तो ऐसा नहीं है सेम थिंग गोज़ विद गांजा एज वेल कि वीनो आज के ज़माने में हमें पता है कि उसकी एक इम्पैक्ट शरीर पर होती है नेगेटिव इम्पैक्ट होती है हमारे दिमाग पर इसकी इम्पैक्ट होती है राइट मेडिकल साइंस कहता है कि इसकी इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट होती है सो दैट्स वाई तो पॉइंट ये था कि ये सारे देशों में जो अलाउ किया जाता है पता है क्यों उस लिए क्योंकि जो भी देश या फिर जो भी एरियाज में वो अलाउड हैं क्योंकि वहां की सरकार जो है वो लोगों पर ट्रस्ट करती हैं अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिएगा यूएसए या फिर नैदरलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा कि वहां पर डेमोक्रेसी और लोग इतने मेच्योर हैं कि दे कैन डिसाइड कि उनको क्या करना है उनको ये फूकना है तो वो फूकेंगे नहीं फूकना है तो नहीं फूकेंगे दैट इज़ देयर चॉइस लेकिन सेइंग कि हमें ये सारी चीज़ें अलाउ करनी चाहिए लेकिन गवर्नमेंट को लोगों पर और ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज़ें ट्वेंटी फोर बाई सेवन हैं तो अब कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि हम लोगों को ट्वेंटी फोर बाई सेवन बिजनेस करने से रोकें देर आर प्लेंटी ऑफ लॉज दैट इम्पोज अन रिजनेबल on ऑन वेयर एंड वैन वेमेन कैन वर्क क्या आपको है, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं आउटडेटेड लॉज हैं जो आज भी चल रहे हैं जो महिलाओं को कुछ जगहों पर काम करने से और समय भी हैं कि इतने समय के बाद महिला जो है वो काम नहीं कर सकती एक्सेट्रा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें हैं तो ये सारी चीज़ें अपडेट करने की ज़रूरत है पुलिस फोर्सेस में और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है क्योंकि हम कहते हैं कि यार सिक्योरिटी मेंटेन है रात को सिर्फ बैटमैन और गुंडे ही निकलते हैं ऐसा नहीं है बैटमैन भी नहीं होता है और गुंडे भी नहीं निकलेंगे अगर उनको पता है कि पुलिस फोर्स जो है वो रात को बहुत एक्टिव है पेट्रोलिंग कर रही है मेक श्योर इज नो लेबर एक्सप्लोइटेशन ये भी देखना है मीन्स के अभी अगर नाइट की ड्यूटी पर कोई आ रहा है तो वो फिर उनकी मजबूरी का लाभ ना उठा रहे हों तो ये भी चीज़ें जो है वो सरकार को देखनी चाहिए और ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स राइट जो ऐसे लोग हैं ना वो कहते हैं कि नहीं नहीं रात को लड़कियां बाहर नहीं निकलेगी ये वो जो भी अपने खुद के कल्चरल सेंसिबिलिटीज़ वो उनकी जो भी मान्यता हो राइट right? वो सारी मान्यता किसी और पर थोप नहीं सकते हम अगर मेरे परिवार में हमें लगता है कि नहीं नहीं जाना चाहिए तो दैट्स हमारे परिवार की बात है वो हमारे परिवार का डिसीजन है राइट लेकिन फिर मैं बाजू वाले नेबर्स के पास जाऊं और कहूं कि नहीं नहीं आपकी लड़कियां जो हैं वो बाहर नहीं निकल सकती भेजिए उनको घर के अंदर दिस ऐसी अगर कोई चीज़ें कर रहा है तो फिर सरकार को भी उनको हैंडल करना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में थिएटर्स जो हैं वो फिर से खुल गए हैं और वहाँ के जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहाँ पर बियर्स जो हैं वो फिर से

इट शुड बी दे राइट या फिर ये खुद डिसाइड करे सिटीजन के वॉट इज गुड फॉर देम एंड वॉट इज़ बैड फॉर देम तो इतना क्योंकि अगर हम सरकार चुन सकते हैं तो फिर बाकी की चीज़ें भी हम चुन लेंगे नो you know? तो ये एक इतनी, इतना ट्रस्ट जो है वो सरकार और सिटीजन्स के बीच में होना चाहिए और ये सरकार जो है वो ये ट्रस्ट और ज्यादा डेवलप कर सकती है एक्ट क्विकली टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल हैं हेट स्पीच ना डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को लेकर नाराज़ हैं मैं आप सब हम यू नो वी आर नॉट हैप्पी विथ हेट स्पीच किसी ने कुछ बोल दिया कोई बयान दे दिया और फिर हमारे देश में लड़ना झगड़ना जो है वो स्टार्ट हो जाता है करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही है इट्स लाइक हमारा बड़ा सा घर है और बड़े से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स है लत्स है कि जॉइंट फैमिली है हमारा तीस लोग हम रहते हैं और उसमें से दो हमारे ही फैमिली के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ जगड़ना स्टार्ट करते हैं घर में और इतने जगड़ते इतना जगड़ते कि टीवी फोड़ दिया उन्होंने फिर वो शांत हो गए दादाजी आए डैडी अंकल आंटी सब लोगों ने आकर उनको समझाया वो उस फिर मान गए अब हुआ ये टी तो टूट गया दोनों के बीच में वो वो भी हो गया कि एक दूसरे पर हाथ उठा लिया तो वो हमेशा रिलेशन जो है वो कुछ क्रैक्स वाला हमेशा रहेगा उसमें कुछ टैग्स एड हो गए सेम थिंग वोज विथ आवर कंट्री एज वेल जस्ट इमेजिन के अवर कंट्री इज लाइक ए बिग जॉइंट फैमिली और फिर दो मेबर्स इसमें लड़ते झगड़ते हैं और फिर हमेशा के लिए इश्यूज जो हैं वो बढ़ता जाता है तो वी डोंट नीड दिस थिंग सुप्रीम कोर्ट अपियर्स टू एग्री सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ये हेट स्पीच जो है ये सोशल पीस के लिए एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव चीज़ है अब प्रश्न ये उठता है कि इन चीज़ों को रोकने के लिए हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम हिट स्पीच को रोक सकते हैं कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स को देखें तो अभी विश्व हिंदू परिषद का एक इवेंट था उसमें दो बीजेपी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने पता नहीं क्या बोला है लेकिन बहुत ही गलत चीज़ें बोली हैं इसीलिए न्यूज़पेपर्स ने ये चीज़ कवर की है फिर फिर ये जो पी एफ आई पी एफ आई पर मैंने एक वीडियो बनाया है नहीं देखा है तो देख लीजिएगा पी एफ आई की एक्टिविटीज़ और सारी चीज़ें मैंने उनकी हरकत तक को समझाया है कि क्या क्या ये कर रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन और ये जो एक माइनोर था वो ये कह रहा था कि हिंदूज और क्रिश्चियंस जो हैं उनको मार दिया जाएगा एक्सेट्रा लेकिन पी एफ आई ने कोई भी क्लैरिफिकेशन वाला स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिया यहाँ पर ये बीजेपी के जो लोग हैं ना तो उन पर एफ आई आर दर्ज हुई है एंड दैट्स ए वेरी गुड थिंग कि एफ आई आर दर्ज हुई और आई थिंक इट वाज लास्ट ईयर जब धर्म संसद हुआ था हरिद्वार में तो उस टाइम पर भी हेट स्पीचेस जो हैं आ, वहाँ पर हेट स्पीच और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिले तो क्यों कुछ नहीं होता इन लोगों के साथ जो हेट स्पीच देते हैं मीन्स कहाँ से उनको ये कॉन्फिडेंस मिलता है द थिंग इज़ पुलिस और लीगल एक्शन जो हैं पुलिस एक्शन और लीगल एक्शन जो है उतनी क्विक नहीं है और विनो कि पुलिस जो है उसमें रिफॉर्म्स जब तक नहीं होंगे तब तक इवेंचुअली पोलिटिशियंस ही पुलिस को कंट्रोल करते रहेंगे ओवरलोडेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वजह से उनको पता है बहुत सारे केसेस पेंडिंग है तो ऐसा कुछ बोल भी देंगे तो हिट हो जाएंगे और आज आजकल ये शॉर्टकट हो चुकी है कि आपको कुछ फेमस होना है तो कुछ ऐसा बोल दीजिए आपको पता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल दिया विल बिकम फेमस फिर उसकी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कॉन्सिक्वेंस हैं वो आपके हैं लेकिन एक दिन के लिए आप फेमस हो जाएंगे क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ों का पोलिटिकल पार्टीज रेयरली एक्ट ऑन देर ओन जो लोग मीन्स पोलिटिकल पार्टीज़ जब तक ऐसी कोई भी स्पीच कोई ऐसा किसी ने इर्लित से मुसलमानों के बारे में कुछ बोल दिया किसी ने हिंदुओं के बारे में कुछ बोल दिया किसी ने क्रिश्चन या फिर कोई भी दूसरी चीज़ के बारे में बोल दिया तो पोलिटिकल पार्टीज़ को ही ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए नो? लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कुछ नहीं करती है जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा पुलिस फोर्सेस जो हैं एफ आई जो सारी चीज़ें जो हैं वो फाइल कर लेगी लेकिन वी नो इट वेरी वेल राइट कि जिस राज्य में जिस पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टी की सरकार है तो उनके होम मिनिस्टर जो हैं वो पूरे पुलिस को कंट्रोल करते हैं तो वो थोड़ी अपने ही लोगों को मीन्स दो फोन आ जाएंगे होम मिनिस्टर साहब को कि भैया मैंने आपके लिए ये किया था वो किया था एक्सेट्रा हमारे खिलाफ़ ही केस करवाओगे तो बोले कि चल चल कोई बात नहीं छोटे ऐसा ही हो ना सी है कि ये सारी चीज़ें चलती हैं एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स ट्रस्ट में ऐसी बात बातें ऐसी भाषा में नहीं होती हैं एंड right, वो तो मैं मजाक करने के लिए आपको समझाने के लिए थोड़ा ह्यूमर ऐड किया मैंने यहाँ पर लेकिन तट्स वॉट दे डू दिस इज़ अ रियालिटी कि पॉलिटिशियंस के तहत मैंने कई बार ये एग्जाम्पल दिया है ब्रिटेन का कि जो पार्टी गेट स्कैंडल हुआ था तो वहां का एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है और प्राइम मिनिस्टर को फाइन पे करना पड़ता है हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर क्या छोड़ दीजिए एमएलए जो होता है किसी एरिया का वो एमएलए डिसाइड करता है कि कौन सा पुलिस वाला किस पुलिस स्टेशन में जाएगा डू नो दैट थिंग पता है ये चीज बहुत सारे ऐसे बाहुबली एम हैं जो तय करते हैं कि मेरे रीजन में ये 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 पुलिस वाले ही आएंगे वही वही डिसाइड करेगा वो एम कि कौन सा जो मामलतदार हैं या फिर कौन सा ऐसा रेवेन्यू का ऑफिसर है वो यहाँ पर आएगा ताकि वो सारे के सारे लोग जो हैं वो मेरे इशारे पर मैं यहाँ पर जो करना चाहूँ वही कर सकूँ मुझे कोई भी ऐसा नहीं चाहिए जो मेरे लिए इश्यू क्रिएट करें इस प्रकार की सिस्टम जो है वो चलते दिस इज़ अ रियलिटी राइट ये किसी किताबों में ये पढ़ने को नहीं मिलेगा ये आपको प्रैक्टिकली चीजों को समझना पड़ेगा कि देश जो किताब में लिखा गया और रियलिटी में कैसे काम करता है और यही सारे ये जो गंदगी है इन्हीं सारी गंदगी को लॉन्ग टर्म की बात अगर मैं करूं तो यही सारी चीजों को निकालना है और यह कब निकल पाएगी जब नए यंगस्टर्स विथ राइट एथिक्स विथ राइट करेज जब सिस्टम में पार्ट सिस्टम का पार्ट बनेंगे प्रोएक्टिव कोर्ट्स कोर्ट्स को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा ऑफ कोर्स राइट सो मोटो स्टैंड ले सके कोर्ट्स और ये सारी चीज़ें बट एट द एंड ऑफ द डे ये वायरल भी कौन करता है लोग ही करते हैं इस प्रकार की स्पीचे और स्पीच नॉट स्पीच स्पीच एंड न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो भी किसी ने हिट स्पीड दे दी तो फिर उसको इतना फैलाया इतना फैलाया सेम थिंग विद ट्विटर एंड ऑल इन्हीं पर इनकी रोटियाँ जो हैं वो चलती हैं विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एज पुतिन एस्कलाइट्स रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन डेल इज केयरफुल केलिब्रेटेड पोजिशन इज़ लुकिंग इंक्रीजिंगली अनबल ये पूरा आर्टिकल जितना नाम है इजन ए टाइटल ये इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है भारत ने एक बहुत ही केयरफुल बैलेंस रखा अभी तक कैसे रखा है मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ यू नो इट वेरी वेल राइट के इट वेरी वेल नॉट गोइंग इन टू इट लेकिन अब मॉस्को जो है ये कीव जो उसका कैपिटल है यूक्रेन का उस पर कुछ मिसाइल्स फिर आ, लीव और दूसरे ऐसे शहरों पर भी मिसाइल अटैक्स किए हैं रशिया ने ये रिसेंट बहुत ही रिसेंट दो दिन पहले की ही बात है और एक कर्च स्ट्रेट है इसको समझ लेते हैं ये कर्च स्ट्रेट जो है ये रशिया और क्राइमिया इसके बीच का एक ब्रिज जो है ये कर्च स्ट्रेट इन दोनों चीजों को जोड़ती है तो ये ब्रिज जो है इस पर अटैक किया गया अब किसने अटैक किया है डोंट नो अभी क्लियर नहीं है लेकिन यू कैन सी हियर राइट अच्छी तरीके से देख लीजिएगा ये क्राइमिया वाला रीजन है दिस इज क्राइमिया 2014 में रशिया ने इसको अपने कब्जे में ले लिया ये क्राइमिया को और ये जो कर्च स्ट्रेट है ये वाला रीजन राइट तो यू कैन सी सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को जोड़ता है ये कर्च स्ट्रेट मैं इसलिए इस पर एम्फेसिस दे रहा हूँ क्योंकि एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ वैसे बड़ा इंसिडेंट है लेकिन एक इंसिडेंट हुआ कि कर्च स्ट्रेट यहाँ पर आ गया और यूपीएससी वाले जो हैं वो एमसीक्यू में आपको इजीली प्रश्न पूछ लेंगे कर्च स्ट्रेट जो है वो किन दोनों आ, सीज जो हैं उनको कनेक्ट करता है ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजो फिर दूसरे ऑप्शन दिए जाएंगे ब्लैक सी तो आपको चारों ऑप्शन में देखने को मिलेगा या फिर तीनों ऑप्शन में होगा लेकिन सी ऑफ एजो फिर इनकी जगह पर दूसरे नाम दिए जाएंगे अगर जिसने इसमें अटेंशन पे नहीं किया उनके ये बेइज ईजी टू अचीव मार्क्स जो हैं वो चले गए ठीक है तो अब किसने ये ब्रिज तोड़ा अभी अभी क्लियर नहीं है आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन ये ब्रिज तोड़ा है भारत का स्टैंड हमेशा से क्या रहा है भारत ने पीसफुल रेजोल्यूशन की बात की राइट और भारत ने जो रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशन था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में तो उसमें भी हमने एबसेंट रहे हमने साइन मीन्स इसको सपोर्ट नहीं किया लेकिन एस की जो समिट हुई उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लियरली बता दिया कि ये युग जो है ये युद्ध का नहीं है अब भारत जो है वो ऐसा नहीं है कि भारत परेशान हो चुका है घबरा गया है लेकिन अब भारत को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा हम चाहते हैं कि पीसफुली ये सारी चीज़ें हो जाए एक ट्राइट रॉप पर चल रहे हैं हम राइट लेकिन अब इस पर चलना जो है वो अनटीनेबल सा लग रहा है क्योंकि रशिया ने दूसरी तरफ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी एग्रेसिव कर दी हैं टेंथ अक्टूबर की बात है जब रशिया ने ये डिमांड की कि ये जो अपकमिंग यू एन जनरल असम्बली जो है तो उसमें एनेक्सेशन जो है इसके खिलाफ एक सीक्रेट बैलेट में एक वोटिंग uh, हो तो भारत ने इसका विरोध मिल सो जैसे दूसरे देशों ने इसका विरोध किया तो उसमें भारत भी शामिल था एंड दिस इज द सेकेंड टाइम पिछले आठ महीनों में भारत जो है वो रशिया के खिलाफ एक स्टैंड जो है वो भारत ने लिया है वक्त आ चुका है नॉट सेइंग वी शुड गो अगेंस्ट रशिया लेकिन इट इज टाइम फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू रिन्यू एफर्ट्स गिवन अप ऑल टू ईजली एट द स्टार्ट ऑफ द वॉर टू फाइंड पीसफुल रेजोल्यूशन जब यह युद्ध स्टार्ट हुआ तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इतना कोई इसमें स्टैंड नहीं लिया मीन्स इन द तो सेंस के इतने कोई एफर्ट्स नहीं डाले लेकिन अब हमें पूरी एनर्जी जो है इसमें डालनी पड़ेगी एंड वी नीड टू स्टॉप दिस थिंग ये वॉर जो है ये जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए ये सारे देशों पर इसकी इम्पैक्ट आ रही है जितने भी देशें इन्वॉल्व हैं उन पर आ रही हैं जितने इन्वॉल्व नहीं है उन पर भी इसकी इम्पैक्ट जो है वो आ रही है और डेल हमारा देश जो है भारत जो है आई से डेली आई मीन टू से प्राइम मिनिस्टर या फिर इंडिया जो है वो एक स्टैंड ले सकता है कि ऐसी पोजिशन पर हैं हम कि रशिया और दूसरे देशों को ऑन बोर्ड ला सकें राइट वी कैन वी टर्की जो है वो इतनी मेहनत कर सकता है तो भारत तो कर ही सकता है वी शुड टेक अ स्टैंड एंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि ये युद्ध जो है इसको हम बंद करें फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बींग्स

Uh, स्वीकृति नहीं दी है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज uh, शरीफ जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को वॉर्न किया है कि यहाँ पर जो फॉरेन एक्सट्रीमिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान में तो इससे पाकिस्तान और दूसरे देशों को काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट हो सकता है सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर बिन फरहान जो हैं उन्होंने भी ये कहा कि जो अलग अलग देश हैं तो ये टेर्रिज़म का ग्रोथ ना हो अलग अलग देशों को ये मेक श्योर sure करना चाहिए कि हम कोऑपरेशन में काम करें ताकि अफगानिस्तान जो है वो टेरर टेररिज्म का हब ना बन जाए अब अफगानिस्तान के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं शेर अब्बास स्थानिक जाई तो उन्होंने पाकिस्तान को लेकर अपनी जो एक चिंता या फिर पाकिस्तान को लेकर अपना गुस्सा जो है वो व्यक्त किया है और कहा है कि पाकिस्तान जो है उसने अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट से सिर्फ आर्थिक फ़ायदा उठाया है पाकिस्तान जो है वो पैसे अपनी जेब में डालता गया जब भी ये अफगानिस्तान में इश्यूज़ चलते रहे इस प्रकार के स्टेटमेंट जो हैं वो दिए गए हैं और ये तालिबान जो है उनका मानना ये है कि जो इस्लामिक स्टेट खरासन वहाँ का एक टेररिस्ट ग्रुप है तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसके साथ फ़ाइट अगर कोई कर रहा है तो वो हैं तालिबान और लोग तालिबान को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं और ये ऐसा सिक्सटीन डिप्लोमेटिक मिशन जो हैं वो अब स्टार्ट हो चुके हैं काबुल में सिंस द तालिबान टेक ओवर और रशिया की जो एक एम्बेसी है उस पर डिप्लोमेटिक मीन्स रशियन डिप्लोमेटिक मिशन पर अटैक भी किया गया बाई दिस आई एस के आई एस के ये प्रूव करना चाहता है कि हमारे साथ नहीं रहोगे यहाँ पर तो फिर आप अफगानिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाओगे और तालिबान जो है वो ये प्रूव करना चाहता है कि देखिए वी आर द बॉस एट और इस प्रकार के ट्रबल मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो यहाँ पर ऑपरेट नहीं हो रहे हैं थिंग्स लाइक दैट फिर टी टी पी इस तारीख है तालिबान पाकिस्तान ऐसा कुछ है इसका फुल फॉर्म तो वहाँ पर ये अलकायदा और दूसरे ईस्ट तुर्किस्तान मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था चाइना में मीन इस्तानबुल में जो प्रोटेस्ट हुए थे राइट जो विगर मुस्लिम्स हैं उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया तो ये ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एक्चुअली है क्या वीज़ मैंने समझाई है डू चेक आउट द चैनल उसमें यह वीडियो मिल जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वीगर मुस्लिम्स के साथ जुड़ा हुआ इसको देखिएगा ज़रूर चाइना भी इसमें कैसे इन्वॉल्व है सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी तो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ उज़्बेकिस्तान और ये सारी चीज़ें जो हैं जो चाइना और सेंट्रल एशियन देशों के लिए थोड़ा चिंता का विषय है तो इसका रिसर्जेंस जो है वो यहाँ पर हो रहा है और अब देखिए चाइना उज्बेकिस्तान रशिया यूएई, कतार ईरान और दूसरे ऐसे देश हैं अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान राइट right, जहाँ पर तालिबान जो है वो धीरे धीरे अपने ट्रेड्स और इकोनॉमिक असिस्टेंस को बढ़ाता जा रहा है और यू में अपनी कुछ एसेट्स जो थी तो उसको भी उन्होंने अनफ्रीज करवाया सारी नहीं लेकिन कुछ चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर रियांगी ने भी स्टेटमेंट में कहा था कि हमें अफगानिस्तान के साथ कोऑपरेट करना चाहिए एन थिंग्स लाइक दैट तो ये चीज़ है और पाकिस्तान को लेकर वो अफगानिस्तान के लोग जो हैं मीन्स अफगानिस्तान की जो रजीम है तालिबान इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल वो कहते हैं और पाकिस्तान ये कहता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी टेररिज्म राइट right, ये सारी चीज़ें जो हैं आ, ये जब मीन्स ये टेररिज्म जब ख़त्म हो जाएगा तो बॉर्डर सिक्योरिटी जब बढ़ जाएगी तो पाकिस्तान का फ़ायदा होगा पाकिस्तान जो है वाया अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के देशों के साथ ट्रेड और कनेक्टिविटी कर पाएगा लेकिन अफगानिस्तान के लोग मीन्स अफगानिस्तान के जो आ, जो तालिबानी लोग हैं तो आर नॉट हैप्पी विद दिस पाकिस्तान बिहेवियर राइट सो फार उनका जो बिहेवियर रहा तो उससे वो खुश नहीं है right uh, just a second we have some we have one more topic to cover right uh, this is about china okay reading the chinese tea leaves i'm going to be a bit quick here we know communist party about very important 20th national congress ये मीटिंग होने वाली है सी सी पीज ट्वेंटी नेशनल कांग्रेस बेजिंग में सिक्सटीन अक्टूबर से और हर पाँच साल में एक बार होती है और इसमें क्या क्या होता है बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोगों को शिफ्ट किया जाता है रीशफलिंग होती है पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको चेंज किया जाता है फ्यूचर पॉलिसीज़ अनाउंस की जाती हैं शी जिंगपिंग अपनी थर्ड टर्म के लिए आगे बढ़ेंगे और पार्टी का जो चार्टर है पार्टी राइट right, बीजेपी है और प्राइम मिनिस्टर है अ टू डिफरेंट थिंग इज एन इट तो बीच जो यहाँ पर शी जिंगपिंग की पार्टी जो है तो ये टर्म लिमिट पर साइलेंट है और वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ये दो टर्म की लिमिट जो थी इसको तो 2018 में ही हटा दिया गया था तो विनो के ये जो शी जिंगपिंग जो है इज गोइंग टू कंटिन्यू एस पर नाइनटीन एटी टू स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन द पार्टी द स्टेट पोजिशन वेर हेल्ड बाई डिफरेंट पीपल पहला ऐसा था कि पार्टी का चीफ और देश का चीफ अलग रहता था लेकिन फिर ये चीज़ जो है वो 1993 में चेंज होगी और जियांग जेमिन और हु जिन्ताव नाम के जो लीडर्स थे तो वो दोनों चीज़ों को एक साथ संभालते थे पार्टी के भी हेड थे और देश के भी हेड थे अब भारत के जो लोग हैं ऑफकोर्स भारत के जो हमारे इंडिया के जो चाइना वोचेस हैं दे विल बी वेरी कीन कि ये आने वाली मीटिंग में क्या क्या डिसीजनस लिए जाएंगे क्योंकि 2020 में गलवान वैली के जो वेटरन्स हैं और दूसरे ऐसे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो हैं तो उनको ऑनर डेलीगेट्स के तौर पर म्यूनस पार्टी में अच्छी पोजिशन दी गई है तो चाइना जो है वो एक प्रकार का कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहता है राइट तो वी हैव टू वेट एंड वॉच देखते हैं आगे इसमें क्या होता है दैट्स डिस्कशन ये क्वेश्चन है इसको पढ़ लीजिएगा पी डी एफ को डाउनलोड करने के बाद एंड प्लीज़ डू शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स एंड हिट द लाइक बटन और क्वेश्चन के जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं बहुत कम लोग देते हैं वाई ये मीन्स कितनी बार एक ही चीज़ को मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा ये क्वेश्चंस में क्या मेरे लिए आपको पूछता हूँ ये क्वेश्चंस में आपको आपके लिए पूछता हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं उसके ही मैं क्वेश्चंस आपको पूछता हूँ तो अगर आप आंसर नहीं देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा दिस इज़ लाइक आप छोटे बच्चे हैं क्या <laughs> छोटी बच्ची हो क्या मीन्स यू आर नॉट किड्स राइट आप यू और स्टेट लेवल की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनकी तैयारी कर रहे हैं आज से ही ये चीज़ सीख जाइए कोई आपको माइक्रो मैनेज नहीं करेगा कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो भी आपको माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे कि बेटा आपको अब पॉलिटी पढ़ना है अब ये पढ़ना है वो सारी चीज़ें क्योंकि आप जब लेट्स से जस्ट आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तो क्या आपका बॉस आकर आपको हर चीज़ सिखाता रहेगा आपको खुद सीखनी पड़ेगी ये सारी चीज़ें यू नो कंट्रोल योर माइंड आपके मूड्स जो हैं उस पर मत चलिए जब आपको लगे कि नहीं अभी नहीं बाद में आंसर दूंगा उसी वक्त उसका आंसर दीजिए धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग बनते जाइए धीरे धीरे आई एम नॉट सेइंग एक दिन में बदलाव आएगा या नहीं आएगा अगर किसी के मन में यह वहम है कि एक दिन में सारी चीजें चेंज हो जाएगी नहीं होगी धीरे 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 करके ही इंप्रूवमेंट आएगा आपके अंदर लेकिन जब इंटरनल इंप्रूवमेंट आएगा तो एक्सटर्नल रिजल्ट जो हैं तो आप सोच नहीं सकते उतने अच्छे हो जाएंगे मेरा हमेशा अगर मैं कोई चीज़ आपको कहता हूँ तो ज़्यादातर चीज़ों में मेरी कोशिश होती है कि उसके पीछे एक साइंस और एक लॉजिक हो तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करने का भी एक लॉजिक है राइट right? तो इसको सीरियसली लीजिए ये पसंद नहीं है मुझे बिल्कुल कि छः सात स्टूडेंट जो हैं वो आंसर देकर फिर चले जाते हैं दैट्स इट तो बाकी के लोग जो हैं मीन्स वाई आपको बार बार जगाना पड़ रहा है तो क्या जेन्यूनली तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे ही फैशन के हिसाब से कर रहे हैं ये खुद ये प्रश्न आप अपने आप को पूछिएगा। एनी वे आल सी यू सून गॉड ब्लेस यू ऑल जय हिंद